सिंघु बॉर्डर पर किसान शुक्रवार रात मची अफरा तफरी, आंदोलनकारियों ने पकड़ा संदिग्ध नखापोश। किसानों के मुताबिक आंदोलनकारियों पर हमले के लिए आया था संदिग्ध, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर में बाधा डालने की थी साजिश। नखापोश के साथ लेकर रात को ही किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संदिग्ध युवक से जारी करवाया बयान। संदिग्ध युवक के मुताबिक उसे किसान नेताओं की दी गई थी तस्वीर, फायरिंग का भी था हुक्म। पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। पकड़े गए युवक के मुताबिक सोनीपत के एसएचओ प्रदीप सिंह ने दिया था आदेश, लेकिन आज तक की तफ्तीश में खुलासा, थाने में प्रदीप नाम का कोई पुलिसकर्मी है ही नहीं। सिंघु बॉर्डर पर हंगामा मचने के बाद हरियाणा पुलिस भी मौके पर पहुंची, आरोपी युवक को हिरासत में लिया। संदिग्ध के दावों से हरियाणा पुलिस का इनकार, किसी भी पुलिसकर्मी से कोई भी संबंध नहीं होने का दावा। 19 साल का है संदिग्ध योगेश सिंह, पुलिस के मुताबिक सोनीपत का ही रहने वाला युवक। योगेश सिंह नाम है उसका, यही पानीपत का रहने वाला है, सोनीपत का रहने वाला है वो। शुक्रवार को किसानों के साथ सरकार की 11वें दौर की बैठक रही बेनतीजा, कानून वापसी पर अड़े हैं किसान। किसानों को सरकार ने भी दिए सख्त संकेत, कृषि मंत्री ने कहा जो प्रस्ताव दिया वो सबसे बेहतर था। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें, वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। सरकार ने किसानों से प्रस्ताव पर फिर विचार करने की अपील की, किसान संगठन आज कर सकते बैठक। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं, और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये तो क्या कहा, हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, पराक्रम दिवस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कोलकाता। शाम 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल पर होगा प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम, इससे पहले नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों से करेंगे चर्चा। बंगाल से पहले असम का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री, शिवसागर जिले में भूमिहीनों को देंगे जमीन का कब्जा। नेताजी की जयंती पर बंगाल में छिड़ा सियासी घमासान, देशनायक दिवस के नाम पर ममता करेंगी आज का कार्यक्रम। 9 किलोमीटर लंबा मार्च निकालेंगी ममता बनर्जी, शाम को विक्टोरिया मेमोरियल में है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। आज से 3 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी, कोयंबटूर से करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। जून में होगा कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, तनातनी के बीच वर्किंग कमेटी की बैठक में होगा फैसला। बैठक में संगठन चुनाव की जल्दबाजी करने वाले नेताओं पर बरसे गहलोत, सोनिया गांधी के नेतृत्व का दिया हवाला। कृषि कानूनों को लेकर सोनिया का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा जल्दबाजी में तैयार किए गए 3 कानून। सोशल मीडिया से सहमी नीतीश सरकार, एडीजी ने लिखी चिट्ठी, सरकार मंत्री और अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर होगा एक्शन।